हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं बनाऊँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी। आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलो देखते हैं आज कैसे बनते हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पे आलू टमाटर बनाने के लिए दो टमाटर लिया है, उसको मैंने काट लिया। छोटा सा अदरक लिया है, उसको भी काट लिया है। और दो तीन हरी मिर्च लिया है, उसको भी काट लिया है। और थोड़ा सा धनिया पत्ता, उसको भी मैंने काट लिया है। और यहाँ पे मैंने चार आलू बॉईल किया है। तो मैंने गैस पे चढ़ा दिया है कढ़ाई, उसको गरम कर लिया। और गरम होने के बाद मैंने उस पर डाल दिया ऑयल। और ऑयल डालने के बाद तेल गरम हो गया। गरम होने के बाद मैंने उस पर डाल दिया सरसों। सरसों डालने के बाद मैंने डाला उस पर थोड़ा सा हींग। हींग डालने के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है दो तीन सूखा मिर्च। सूखा मिर्च को थोड़ा हम भून लेंगे। भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है अदरक, कटी हुई अदरक डाल दिया मैंने। और दो टमाटर, कटी हुई दो टमाटर डाल दिया मैंने। इसको थोड़ा सा हिला लूँगी, हिलाते रहना थोड़ा सा। और गैस मीडियम आँच पे रखना है। और जो कटी हुई हरी मिर्च थी वो मैंने डाल दिया है। तो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को लाइक करना। और आलू टमाटर की सब्ज़ी कैसी बनी है तो आप बनाना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने इस पर डाल दिया है नमक। नमक डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी। थोड़ा सा हिलाते हिलाते इसको मैं फ्राई करती रहूँगी। फ्राई करने के बाद इसमें से ऑयल निकलेगा। उसके बाद मैं इसमें हल्दी ऐड कर दूँगी। फिर लाल मिर्च पाउडर, फिर जीरा पाउडर, फिर धनिया पाउडर। फिर मैं इसको हिलाती रहूँगी, मसाला को थोड़ा सा फ्राई करती रहूँ। फ्राई करने के बाद टमाटर अच्छे से गल जाता है। गलने के बाद मैं इस पर जो मेरी बॉयल किया आलू था वो मैंने इसको तोड़ के डाल दी हूँ मैं। मैंने चार आलू लिया था, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। तो आलू ऐसे तोड़ने से मुझे लगता है कि आलू टमाटर में ज़्यादा स्वाद आता है, थोड़ा बड़ा बड़ा पीस रहता है। फिर मैं इसको हिलाती रहूँगी। मसाला सारा आलू के साथ मैश हो जाएगा। आलू को हिलाते रहना है। फिर इसमें एक गिलास में पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसको हिलाती रहूँगी।
थोड़ा सा और पानी ऐड कर देना है क्योंकि आलू टमाटर की सब्ज़ी गाढ़ी गाढ़ी सी बने ना तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। गाढ़ी बनी लेकिन मीडियम हो, ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा ना पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो। फिर मैं इसको ढक दूँगी। दस से पंद्रह मिनट के बाद मैं ढक्कन को हटा के देखूंगी हिला के, फिर मैं इस पर गरम मसाला ऐड कर दूंगी। फिर मैं इसमें धनिया पत्ता ऐड कर दूंगी। तो मेरी ग्रेवी देखो आप, ज़्यादा ना मोटा है ना पतला है। तो बन गया मेरा आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो दोस्तों